नमस्कार। ट्राई सिटी का खबरनामा लेकर एक बार फिर से हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। चंडीगढ़ और इसके आसपास की खबरें तो हम इसमें आपके साथ शेयर करते ही हैं। इसके अलावा अगर हमें कुछ खास इम्पोर्टेंट खबर लगती है कि जो राष्ट्रीय स्तर की है और हमारे लिए वो ताल्लुक रखती है तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आज सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा की, जो बैठक अभी थोड़ी ही देर पहले तक चल रही थी, अभी 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 समाप्त हुई है, उसमें जो फैसले हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इसके लिए 5 किसानों के, किसान नेताओं के नाम सरकार ने मांगे थे जिनको उस कमेटी में शामिल किया जा सके, जो बाकी के मुद्दों के बारे में विचार विमर्श कर सके। तो उस सिलसिले में ये बैठक थी, तो उसके लिए 5 नामों का ऐलान आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कर दिया गया है, जिसमें 3 प्रमुख नाम हम आपको बता देते हैं। राकेश टिकैत उसमें होंगे, बलवीर सिंह राजेवाल होंगे और गुरनाम सिंह चढ़ूनी उसके मेंबर होंगे। तो इस तरह से ये जो 5 लोग हैं अब जाकर सरकार के साथ बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने ये भी कहा है कि फिलहाल वो अपनी एजिटेशन को समाप्त नहीं करेंगे, तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक जिन किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर किए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमे वापस नहीं हो जाते। इस तरह से किसान अभी भी जो हैं वो जो विभिन्न बॉर्डर्स पर जहां बैठे हुए हैं वहां बैठे रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर एक अच्छी डेवलपमेंट इसे कहा जा सकता है, कहीं ना कहीं मामला आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये प्रमुख खबर थी जो हम आपको बता देना चाहते थे। उसके बाद चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में आज नॉमिनेशंस का आखिरी दिन था। चंडीगढ़ नगर निगम के चुनाव जो है वो 24 दिसंबर को होने वाले हैं। आज नॉमिनेशन के आखिरी दिन जो अभी तक हमें समाचार मिले हैं वो उसके अनुसार करीब 100 और लोगों ने जो है अपने नॉमिनेशंस भरे हैं। 72 ने कल भर दिए थे, कुल मिलाकर 172 के आसपास कैंडिडेट्स। इसमें थोड़ा रिवीजन हो सकता है, शायद और भी कुछ नाम सामने आए, कुछ डाटा हमें मिले तो, लेकिन मोटा मोटा डाटा यही है कि करीब 172 लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी की तरफ से कल ही 35 के 35 उम्मीदवार क्लियर हो गए थे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से 5 नाम अभी भी 5 वार्ड्स को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, वो आज भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि इन वार्ड से भी कांग्रेस की तरफ से गुपचुप तरीके से नामांकन भरवा दिए गए हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा मसला इन तीनों पार्टियों के लिए अपने विरोधियों को झेलने का है, अपने अंदर जो भीतर के विरोधी हैं उनको झेलने का है, जो नाराज उनके कार्यकर्ता हैं, जो बगावत पर उतारू हैं उनको किस तरह से अपने साथ लेकर चलना है और पार्टी के अंदर बगावत को कम से कम रखना है, ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला इन पार्टियों के लिए बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पार्टियों में बगावत की स्थिति जारी है। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो जो ओबीसी मोर्चा है उसके जो कन्वीनर थे NR मेहरा, उनको टिकट नहीं मिला, तो पूरा का पूरा ओबीसी मोर्चा इस वक्त बीजेपी के खिलाफ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। उनका ये कहना है कि चूंकि उनके समुदाय को बिल्कुल भी प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है टिकटों में, इस करके वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अपने आप को अलग करते हैं। उसके बाद गुरप्रीत हैप्पी जो कि दड़ुआ से सरपंच थे, उन्होंने अपना नामांकन भर दिया है। उनको मनाने की कोशिशें हुई लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। इसी तरह से आम आदमी पार्टी में भी, आम आदमी पार्टी को भी विरोध झेलना पड़ रहा है, लेकिन उनके लगभग सभी उम्मीदवारों ने अपने नामांकन भर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर बात करें तो 10 जो उनके पार्षद थे उनको तो टिकट दे दी, जो सिटिंग पार्षद थे, लेकिन 10 की टिकटें काट दी गई हैं। और आखिरी समय में जिन लोगों को टिकट दिए गए उनमें हम पहले भी आपसे बात कर रहे थे कि इनके नाम अभी नहीं है लेकिन आ सकते हैं, जैसे कि देवेश मुदगिल का नाम है जिन्हें टिकट मिल गया है, हीरा नेगी को वो भी टिकट दे दिया गया है, सौरभ जोशी और राजेश कालिया, ये बड़े नाम थे जो कि पार्टी ने अभी तक इनके बारे में नाम को विथहेल्ड किया हुआ था, लेकिन आखिरी मौके पर इनको भी टिकट मिल गया है। तो कुल मिलाकर अब स्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है, लेकिन सही मायने में स्थिति 9 तारीख को ही स्पष्ट होगी। 6 तारीख तक जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहते हैं वो नाम वापस ले पाएंगे और 9 तारीख तक
माफ कीजिएगा, 6 तारीख को स्क्रूटनी है और 9 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। तो 9 तारीख के बाद कुल मिलाकर स्थिति जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। और अब हम बात कर लेते हैं ओमिक्रॉन की। ओमिक्रॉन का एक और मामला सामने आ गया है। ये मामला जामनगर से सामने आया है। 72 साल के एक बुजुर्ग हैं जो कि जिम्बाब्वे से कुछ दिन पहले वापस लौटे थे, तो जब उनका एयरपोर्ट पर RT-PCR टेस्ट हुआ तो वो पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद इसकी जीनोम सिक्वेंसिंग जब हुई तो उसमें ये स्पष्ट हुआ कि ये जो वेरिएंट है वो ओमिक्रॉन वेरिएंट है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 3 मामले अब तक ओमिक्रॉन के भारत में आ चुके हैं। और उसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से राजस्थान में भी 4 लोग आए हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं। उनकी भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन अभी तक उनकी जीनोम सिक्वेंसिंग के रिजल्ट्स नहीं है, तो अभी उनके बारे में ये नहीं पता कि उनको ओमिक्रॉन था या कोई और वेरिएंट है। और ओमिक्रॉन की वजह से कुछ बहुत दिल दहला देने वाला एक हादसा भी हुआ है। एक डॉक्टर सुशील कुमार हैं कानपुर से, उन्होंने डिप्रेशन कोविड डिप्रेशन के चलते अपने पूरे परिवार को समाप्त कर दिया, अपनी पत्नी की हत्या कर दी, अपने बेटे और बेटी की हत्या कर दी। और उसके बाद से ये डॉक्टर सुशील कुमार फरार हैं। उनको इन्होंने जो नोट लिखा है उसमें ये लिखा है कि वो कोविड से परेशान है और अब उन्हें और लाशें नहीं गिननी पड़ेंगी, इस तरह का उन्होंने उसमें अपने नोट में लिखा है। लेकिन दरअसल कारण क्या है, हालांकि उनका परिवार कहता है कि वो डिप्रेशन में थे, पहले से ही डिप्रेशन के मरीज थे, तो क्या इसके कारण हो सकते हैं उस पर अभी भी पुलिस जो है वो जांच कर रही है। और बाकी जहां तक ओमिक्रॉन की संक्रामकता का सवाल है, तो इसमें जो विशेषज्ञों की राय ये है कि निश्चित तौर पर ये एक बेहद संक्रामक वेरियंट है, लेकिन खतरनाक कितना है इसके बारे में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। माना यह जा रहा है कि ये उतना खतरनाक नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट आ भी गया तो इसकी वजह से कोई डेथ रिपोर्ट नहीं है, किसी जगह कोई मौत नहीं हुई है, तो उससे अंदाज़ा अभी फिलहाल ये लगाया जा सकता है कि ये उतना फेटल साबित नहीं होगा, उतना जानलेवा साबित नहीं होगा। लेकिन इसके बारे में सही स्थिति क्या है उसके बारे में अभी रिसर्च होना है, और रिसर्च के बाद ही ये पूरी तरह से ये हमें हम जान पाएंगे कि ओमिक्रॉन आफ्टर ऑल कितना खतरनाक है। तो ये थी कुल मिलाकर हमारी आज की कुछ खबरें। ट्राइसिटी का खबरनामा में हम कुछ इसी तरह की खबरों के साथ रोजाना आपसे मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात हमारी जारी रहेगी। नमस्कार। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।